अच्छी तरह जानती हूँ ये सब कुछ तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही हो। मेरे भाई को मुझसे छीनना चाहती हो, मेरे घर में रहकर मुझे बार बार बेइज्जत करना चाहती हो। नहीं हुदा, बिल्कुल भी नहीं। इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जीत नहीं होने दूंगी मैं। हाँ, मैं तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारा ही जीना मुश्किल कर दूंगी। अपना भाई तुम्हारा नहीं होने दूंगी, बल्कि तुम्हारा भाई भी तुमसे छीन लूंगी। जिस खुशबू को मैंने बचपन से अपने इर्द गिर्द महसूस किया, हसमीर, तुमने आज अचानक अपने इतराफे मोहब्बत से खुशबुओं के जजीरों की दुनिया बख्श दी। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी खामोश मोहब्बत से वाकिफ हो, लेकिन इतना जान लो कि असमीर तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। असमीर, आज तुमने साबित कर दिया मोहब्बत की तासीर बहुत बहुत गहरी होती है। मैं तुम्हारी हूँ ये तुम्हें जानती थी, मगर तुम मेरे हो ऐसा तुम मानते हो, ये खबर मुझे नहीं थी। खुदा पी, अम्मी आपको अंदर बुला रही, चले। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। पता नहीं कब से तुम मुझे इतनी अच्छी लगने लगी, शायद तब से जब मुझे मोहब्बत का मायने भी नहीं मालूम था, तब से जब मैं जज्बों के मफहूम से भी नाशना था, तो मेरे अंदर रच बस गई होता। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, तुम्हें पाकर ही मुकम्मल हो पाऊंगा, और तुम देखना बहुत जल्द तुम्हें मैं पा लूंगा। वर्दा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो रहा है ये सब? हाँ, किसी से कोई झगड़ा हुआ है? अजमीर ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। किसी से कोई बात नहीं हुई है मेरी। वैसे उस पे थोड़ा गुस्सा था, तो ये सब हो गया। अच्छा, ऊपर बैठो मेरे साथ, ऊपर बैठो। आओ आओ। ऊपर गुस्सा कौन करता है? हाँ, जब कोई किसी का मजाक उड़ाए या उसे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे, गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या करेगा बंदा? तो इसका मतलब है कि खुदा की तारीफों के पुल बांधे गए हैं। हाँ, किसने कहा? मैं बहुत दफा तुम्हें कह चुकी हूँ, उस खुदा से ना दोस्ती खत्म करो। यूनिवर्सिटी के चक्कर में तुम छोटे छोटे फेवर्स उससे देते रही हो ना, अब बस यूनिवर्सिटी खत्म तो दोस्ती खत्म। दोस्ती तो कब की खत्म हो चुकी, अगर आप निभानी है तो सिर्फ दुश्मनी। वार्ता, तुम क्यों उसके बारे में इतना सोचती हो? एक बात बताएं, क्या पढ़ा लिखा ही अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता? पढ़ाई लिखाई इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल सकता? बिल्कुल भी नहीं। किसने? ये तो सिर्फ गरीबों की सोच होती है। तुम देखना, चाहे जितना भी पढ़ लेना, उसका कुछ काम नहीं आने वाला। लड़की की खुशी सिर्फ उसके बाप की दौलत में होती है, जो एक अच्छा दामाद की जमानत होती है, और एक अच्छा दामाद बेटी को हर खुशी खरीद के दे सकता है। जो होता है ना, जितना भी पढ़ ले, सारी जिंदगी ना उसने अपना दिल मार के लोगों की खिदमत ही करना है, अपनी माँ की तरह। बेवकूफ औरतें कभी भी अपने लिए नहीं जीती है।
तुम मेरी बेटी हो, तुम नाज उठाने वालों में से हो, शहजादियों की तरह रखे जाने के लिए हो। देखो प्रॉमिस करो स्ट्रेस ना लेना, बल्कि स्ट्रेस से ना डार्क सर्कल्स होते हैं, समझ आ रही है ना? लोगों को स्ट्रेस देना सीखो, लेना नहीं, जैसे हम बाबा को देते हैं। हाँ, मर्द को अगर सर पे बैठा लिया जाए ना, तो हमेशा औरत को अपनी पैर की जुगती ही समझता है। जा तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए फेवरेट डिशेस बनाई हैं, ठीक है? बेटा अबू आप अपने हाथ से खुद गर्म करके लाओ तुम्हारे लिए। अबू आपने खामखा तकलीफ की, ऐसे तो मुझे आपकी खिदमत करनी चाहिए। इतनी तो खिदमत करती हूँ, रात रात भर पढ़ती रहती हो, दिन में अम्मी का हाथ बटाती हो, पढ़ती हो पढ़ाती हो, क्या करना चाहती हूँ? बहुत कुछ करना चाहती। आए मेरे पास बैठे। अरे हैं, मैं ना इस घर के लिए, आपके लिए, अम्मी के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए वह बहुत कुछ करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मैं आपको और अम्मी को अपने साथ हज पर लेकर जाऊँ, और मैं इतनी मेहनत करूँ कि दुनिया की तमाम आसाइशें, तमाम खुशियाँ आप ही कदमों में ला के रख दूँ, क्योंकि आपने और अम्मी ने हम लोगों के लिए बहुत मेहनत की है। बेटा तुम ऐसा सोचते हो, यकीन करो मेरे लिए इतना ही बहुत है। मेरी सारी खुशी, मेरी सारी आसाइश, सारा सुख तुम्हारी एक मुस्कुराहट के मोहताज है। आप इतनी मोहब्बत से बात करते हैं ना, मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है, मुझे लगता है मैं अपनी सारी स्ट्रगल ना मिनटों में कर लूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिलहाल तुम दूध पी लो, सेहत की लापरवाही अच्छी नहीं है, जान है तो जान है। वैसे तो आप ही मेरी जान है और आप ही मेरे जहान। पागल हो तुम, चलो दूध जरूर पी लो। मेरे ख्वाब, मेरे माँ बाप की उम्मीदें, क्या मुझे मोहब्बत के सफर की इजाजत देंगी? नहीं, इस दिन को बहुत ही पुरसकून तरीके से लड़ना हो, और ऐसे लड़ कि दुश्मन को पता ही नहीं चले कि उससे दुश्मनी है या उससे बदला लेने की तैयारी है। उफ, आज फिर देर हो गई है, वर्दा पता नहीं कहाँ रह गई है, कॉल करती हूँ। बताओ, फोन उठाओ ना, मेरी प्रेजेंटेशन है। हाँ रह गई है ये, खोल तो उठाओ। अरे वाह, कितनी लंबी उम्र है बेचारी। हेलो वर्दा, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, पता है मेरी तबीयत बहुत खराब है, पेट में भी बहुत दर्द है और बुखार भी बहुत है, मैं तो नहीं जा सकती आज। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा चलो, मैं खुद कुछ मैनेज कर लूंगी। सुनो, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज। बाय। तुम्हें तो मजा मैं चखाऊंगी, मेरे भाई से मोहब्बत की प्लानिंग और मुझे हवा तक नहीं लगने दी चलने, कमाल है। वर्दा, वर्दा, क्या करूं, कैसे जाऊं? भाई, शुक्र है आप घर पर हैं,
आप मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे? क्यों, वर्दा नहीं आई? वर्दा की तबीयत ठीक नहीं है और आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, मेरा जाना बहुत जरूरी है, आप प्लीज छोड़ दें। क्यों परेशान हो रही है? तुम्हारा भाई है ना, और इतना तो अपनी प्यारी बहन के लिए कर ही सकता हूँ। जल्दी से बैग लो, मैं बाइक निकाल रहा हूँ। ठीक है, शुक्र है, जल्दी से प्रेजेंटेशन दूंगी जाके। कहाँ रह गई है यार ये वर्दा? क्या है, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? अभी उठी हो तुम? वहां पे तुम्हारी दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ, क्योंकि हम नहीं जा रहे, वो नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जा रही। क्या, उसने मना क्यों किया? क्यों नहीं जा रही मतलब? यार कभी कभी इंसान का मूड भी नहीं होता। अच्छा, तुम बताओ, तुम्हें ड्रॉप कर दूं? वो नहीं जा रही इसलिए मैं भी नहीं जा रही। मैं सो गई। सोती रहो। बेचारी की फिक्र तो चेक करो। सोस वालेकुम अस्सलाम। आप क्या मतलब? आप मैं आ नहीं सकती? नहीं नहीं, आप तो आ सकती हैं, अब्बू की बेस्ट फ्रेंड की बेटी हैं और खुदा की भी तो बेस्ट फ्रेंड है। और आपकी? आप, मेरा मतलब है कि ये रवैया खास मेरे लिए है या बाकी सबके साथ भी आप ऐसे ही पेश आते हैं? देखिए, मुझे इस तरह की बेमकसद और बेकार बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं ऐसे ही हूँ। खैर, वो खुदा तो बाहर गई है, अम्मी अंदर हैं, आप जा सकती हैं। नहीं बस ठीक है, जा रही हूँ। आज तुम्हें मुझसे हमदर्दी होगी और कल बहुत जल्द मोहब्बत भी हो जाएगी। हाँ भाई, क्या सोच रहा है, वो भी इतने बोरिंग माहौल में? बोरिंग होगा तेरे लिए बेटा, मेरे लिए सब सेट है। बहुत अच्छा, क्या बात है। तालीम साहब। वालेकुम सलाम। भाई तुम लोगों ने सारी उम्र कॉरिडोर में बैठे गुजार देनी है। मैंने सर ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे ही डिस्कशन कर रहे। रास्ता दो। जी जी। अस्सलामुअलैकुम शहीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? मैं आपको पूरे कॉलेज में सुबह से तलाश कर रहा हूँ। खैरियत, क्या बना तुम्हारे वो फीस वाले मामले का?
नहीं शहीर भाई, फीस तो आज ही देनी है वरना वो एडमिशन कैंसिल कर देंगे। चलो तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ। अरे भाई कहाँ रहते हो तुम? तुम्हें पता है ना बहन की शादी है घर पे और तुमने अपनी रूटीन बना के रखी हुई है। मामा जब फंक्शंस होंगे तो मैं आपके साथ हूँगा ना, संभाल लूंगा, तब तक आप देखिए। हाँ हाँ, कामों के लिए हम हैं और बाप की कमाई लुटाने के लिए ये बेतरेक पैसा खर्च कर रहे हैं मौसुफ। यार ताना मारने से पहले मुझसे ये तो पूछ ले जो पैसे मैंने खर्च कहाँ किए। तुमने खर्च करने से पहले मुझसे पूछा था एक दिन में 1,00,000 रुपया खर्च करने की औकात है तुम्हारे? जिस दिन 4,00,000 रुपया रोजाना कमा सको ना उस दिन 1,00,000 रुपया खर्च करना। ये वो बातें जिनकी वजह से मैं घर पर कोई टाइम स्पेंड नहीं करता। बाप की डांट डबर से तंग आ चुके हो लेकिन उसका पैसा खर्च करते हुए तंग नहीं आते तुम। आप कम से कम उसकी पूरी बात तो सुन लेते कि वो पैसे उसने खर्च कहां किए। क्या सुनता मैं उसकी पूरी बात? यही कि किसी गरीब को दे दिए, किसी दोस्त को दे दिए। हमने उसे कहां भेजा था? इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियर बनने के लिए। लेकिन वो क्या बन रहा है? लीडर। उसे बोलो अगर लीडर बनने का इतना शौक है ना तो अपने पैसों से बने। आप ये बात उसको प्यार से भी तो समझा सकते थे ना। तुम करते ना प्यार से बात उसे, करती हो लाड उसे। कितना बदल गया तुम इसको? सम्मान। बस रहने दो, मनी बार मां को बोलो कि रेडी हो जाए, हम भाई साहब के पास जा रहे हैं। जी मैं कहती हूं उनसे। क्यों नहीं जा रही? मतलब यार कभी कभी इंसान का मूड भी नहीं होता। खुदा और छुट्टी, इस तरह तो कभी ऑफ नहीं करती वो। कहीं मेरी कल वाली बात? ओह नो, आई थिंक इसे अच्छा नहीं लगा। मेरी आज की सारी मीटिंग्स पोस्टपोन कर दें, आई एम लीविंग। खर्च करने से पहले मुझसे पूछा था एक दिन में 1,00,000 रुपया खर्च करने की औकात है तुम्हारी? जिस दिन 4,00,000 रुपया रोजाना कमा सको ना उस दिन 1,00,000 रुपया खर्च करना। बाप की डांट डबर से तंग आ चुके हो लेकिन उसका पैसा खर्च करते हुए तंग नहीं आते तुम। शहीर छोड़ना यार, सब कुछ चलता है गलत। बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ भी नहीं चलता यार। जब देखो गुस्सा, जब देखो डांट देते, इंसल्ट करते, ऐसा थोड़ी होता है। मेरी गलती हो या ना हो, आई एम ऑलवेज रॉन्ग। दिस इज नॉट फेयर मैन, दिस इज नॉट फेयर। वर्दा, वर्दा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? तो यूनिवर्सिटी से आ रही हो? नहीं, मेरा भूत बैठा हुआ यहाँ पे।
मैं तुम्हारे लिए सुबह से परेशान हूँ, सुबह से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, तुमने मेरी एक भी कॉल पिक नहीं की है और तुम यहाँ बैठ के म्यूजिक सुन रही हो। हाँ क्यों पिक करूँ मैं तुम्हारी कॉल और म्यूजिक ना सुनूँ तो मैं और क्या करूँ? तुम तो अपनी लाइफ इंजॉय कर रही हो ना, हसीन रंगों से भरी और वो भी राजदारी से। क्या मतलब? कुछ नहीं, कोई कह सकता है इसे मासूम? सादा सी मासूम सी हुदा के पीछे ना एक खुन्नी मीसनी हुदा छुपी है। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। अच्छा देखो तुम्हें बुखार तो नहीं है? हाँ बुखार तो तुम्हें नहीं है। ठीक हूं मैं, और बुखार नहीं था मुझे, शुक्र है। पर आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी प्रेजेंटेशन रह गई। मुझे पता ही नहीं चला सुबह मेरे सर में दर्द होने लगा, मैंने मेडिसिन ली है, अब सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैंने सबमिट करवा दी थी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ भाभी, बस यूं समझे चेक मांगनी और पंडिया बनी बात हो। अरे अरे रहने दो ही सबा, तुम्हारी तो पुरानी आदत है पराए लोगों की तरह बिल्कुल आखिर में बताने की। अरे भाभी ये सब बेकार की बातें हैं, खुशी की बात तो सिर्फ ये है कि मुनीबा अपने घर की हो रही है। ताया अब्बू आपसे मिलकर ना कभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अरे बेटा फोन के रिश्तों में फासले आ जाया करते हैं, लेकिन रिश्ते खत्म थोड़ी हुआ करते हैं। चले भाई फिर ऐसा करते हैं कि इन रिश्तों को और करीब करते हैं, फासलों को मिटाने के लिए बच्चों को पास ले आते हैं। अजमीर और माम की शादी कर देते हैं। अरे वाह सलमान चाचू, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। मुझे चेंज करने मैं आता हूं। वर्ता बड़ों के बीच में नहीं बोलते, जाओ माहम को अपने कमरे में लेके जाओ। जी चले माहम। हाँ चल। भाईजान सोचिएगा जरूर। अरे सलमान एक की शादी कर रहे हो और दूसरे की फिक्र अभी से शुरू? अरे नहीं भाभी जल्दबाजी कोई नहीं है, घर की बात है, घर के बच्चे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन प्लीज आप लोग मशवरा जरूर कीजिएगा। फिक्र मत करो, सोचेंगे फिर तुमको बताएंगे। तुम ये बताओ शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? जी भाई बस लगे हुए हैं, काफी चीजें कर रहे हैं। ये मेरी कमीज सी दे, और मेरा यूनिफॉर्म बहुत पुराना हो गया और गंदा भी हो गया है, मेरे स्कूल के शूज भी छोटे हो गए अम्मी, मुझे नहीं आते और अब मेरे पैरों में दर्द होता है। युसरा तुम्हें बात बढ़ा चढ़ा कर करने की आदत हो गई,
रीता ये अच्छी आदत नहीं होती। और मैं जानती हूँ ना तुम्हारा यूनिफॉर्म पुराना हुआ है और ना तुम्हें शूज तंग हुए, बस सहेलियों को देखकर उनकी नकल करने के लिए नई चीजें चाहिए। अम्मी आप कुछ भी समझे, मुझे चाहिए बस। चलो दुआ करो भाई को अल्लाह नौकरी दे दे, जब उसकी पहली तनख्वाह आएगी तो इस संभले। अम्मी मुझे नहीं पता मुझे चाहिए, आप खुद आप इसे कहते वो मुझे ला देंगी। अम्मी आरिस भाई की जॉब वॉब तो लगती है नहीं, पता नहीं कब लगेगी, कब से सुन ही रहे। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? कहो कहो कि तुम्हारा भाई एक निकम्मा है। कोई जॉब नहीं है उसके पास और वो इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, कहो ना। ए भाई आई एम सॉरी। इसरा तुम क्यों सॉरी कर रहे हो? सॉरी तो मुझे करना चाहिए, बेरोजगार हो कोई काम नहीं है, खुद अपनी इज्जत नहीं करता तो कोई दूसरा क्या करेगा। देख लिया ज्यादा बोलने का नतीजा, अपनी जरूरत की तुम्हें पड़ी रहती है बस। और हुदा को देखा कभी बस कर दे, हर टाइम हुदा भी रेफरेंसिंग दिया करे, नहीं हुआ उनके जैसी। और हाँ मैंने आरिस भाई को भी सहूलत नहीं बोला, सिलाई कर दीजिएगा। शादी का जब से सुना है ना मैं ना बहुत खुश हूँ, पता है हम ढोल की भी अरेंज करेंगे। हाँ यार बहुत मजा आने वाला है। और सुनो तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फोन कर सकते हो। श्योर मैडम व्हाई नॉट, आखिर आप इकलौती कजन ही तो है मेरी। अब देखो बताने ही भूल गई, तुम्हें पता है ना कि मेरा ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है, मुझे शौक भी है चीजों का, तो तुम्हें कुछ भी जरूरत हो कभी भी कहीं जाना हो टू लेट मी नो। जी बिल्कुल अंदाजा है मुझे, ताई अम्मी की बेटी हैं आप, इन सब चीजों में एक्सपर्ट तो होंगी ना। और हो सकता है कि ताई अम्मी तुम्हें भी ट्रेन कर दे। सलमान चाचू ने जो भी कुछ कहा है हो सकता है कि वो हमारे घर में पहले से डिस्कस हो चुका हो। जो भी है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं चाहती भी यही हूँ, और जो वो कहते हैं वो होता है। क्या बात कर रहे, मैं चाय देने के लिए अंदर गई थी, आप थे ही नहीं कमरे में। यहाँ गर्मी में क्यों खड़े हैं आप, चले अंदर चल के पंखे पे बैठे। खुदा मैं यहीं ठीक हूँ, जो घर में कुछ दे नहीं सकते ना उन्हें घर के अखराजात भी नहीं बढ़ाने चाहिए। हाय हमारी मनफी सोच, हमारा मनफी रवैया हमारे मुश्किल वक्त को और मुश्किल बना देता है। आप बिना वजह जज्बाती हो रहे हैं, जॉब कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ मगर हम लोग हकीकत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जरूरत के मुताबिक अपने ख्वाब तो बदल सकते हैं ना। मैं पहले ही बहुत उलझा हुआ हूँ, जीत मत उलझाओ मुझे, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो। देखिए भाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक आपने जितनी भी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है वो आपकी डिग्री के मुताबिक थी, वो आपकी विश के मुताबिक थी। मेरा मतलब है कि
अगर आप थोड़ा निचले लेवल पर आकर सोचें और कोई ग्रेजुएशन वाली जॉब ढूंढें, तो मुझे यकीन है वो कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं 13 या 14 ग्रेड की कोई जॉब कर लूं? मेरा मतलब ये नहीं है। देखें भाई, आपकी सैलरी कम होगी, आपका ओहदा छोटा होगा, लेकिन कम से कम आप मायूसी से तो बाहर निकल आएंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहाल हो जाएगी। है हमेशा की तरह हैरान कर दिया तुमने मुझे, और आप हम सबको परेशान कर रहे हैं। देखें भाई, हमें आपकी ज्यादा सैलरी की जरूरत नहीं है, हम बस आपको खुश देखना चाहते हैं, ठीक है? वैसे आप कहीं तो मैं अप्लाई कर दूं? वही, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। बातों में तो चाय ठंडी हो गई, मैं गर्म पर खिला। नहीं, दे दो मुझे, मैं ऐसे पी लूंगा। थैंक यू। खुदा, अगर तुम नहीं होती ना तो इस घर में मोहब्बत की फिजा नहीं आती। और मैं क्यों ना होती? थैंक यू। चाय पी लीजिएगा। सलमान की बातों पे हैरत हो रही है। मतलब उसने कैसे सोच लिया, ये बड़ों की बनती नहीं है तो वो छोटों का रिश्ता बनाने का सोच रही। मतलब मैं अम्मा, इसमें हर्ज ही क्या है? और माँ हम कितनी प्यारी है, हम क्यों नहीं मान रहे? और वैसे भी माँ अजमेर में इंटरेस्टेड दिया है। एक मिनट, मैंने माँ को इतना फ्रैंक अप कराया कि वो मुझ में इंटरेस्टेड हो? जरूरी तो नहीं है ना कि जिसको पसंद किया जाए उसके साथ फ्रैंक हुआ जाए। और फिर बाबा सोचे, आपका और आपके भाई का रिश्ता पहले से भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नहीं? कैसी बातें कर रही हो वर्दा? क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? इतने अच्छे रिश्तेदार हैं हमारे, आखिर हम कब तक दूर रहेंगे? चाचू और बाकी सब बहुत अच्छे हैं। वर्दा, पढ़ाई में तो तुम वैसे ही वीक हो, एक काम करो, रिश्ते वाली आंटी का काम स्टार्ट कर दो। चुप हो जाओ, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ बाबा। वैसे देखा जाए तो सलमान की बात खासी माकूल है, घर की बच्ची घर में ही रहेगी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? वैसे दरअसल वरदा आजकल तुमसे ज्यादा अकल की बात कर रही है, कमाल बात है। बाबा, मुझे आरिस के पास जाना है, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, बैग लेके आ रही हूँ, मुझे खुदा के घर छोड़ देना, जाने मत। जल्दी करना। हाँ हाँ। आप ना, मैं तो इस रिश्ते से बिल्कुल भी जुड़ू सलमान, ये आपने क्या किया? आपने यूं अचानक भाई साहब से माहम और अजमीर की बात कर ली? आप कम से कम मुझे तो बता देते। मेरे कहने का मतलब है कि बंदा घर में मशवरा कर लेता है, और आपने बेटी की बात इस तरह से। वार्षिक सभा, अब ये फजूल बातें करना बंद करो। भाई है वो मेरे, और मैं सोच समझ के नहीं गया था वहां पे। उस वक्त मुझे जो मुनासिब लगा मैंने बात कहा। आपको ये लगता है कि भाभी ये सब कुछ होने देंगी? सारी जिंदगी उन्होंने वाजिबी से ही ताल्लुकात रखे हैं हमसे। वक्त बदल गया, बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो मिलना चाहते हैं दूसरे से। तुमने देखा नहीं कि वरदा किस तरह बात कर रही थी? पर अजमेर इज वेरी सेंसिबल। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बच्चों की तबीयत बिल्कुल भाभी पे नहीं गई, बल्कि वो लोग माशाल्लाह से बहुत हसमुख, समझदार और मिलनसार हैं। तो आज तुम्हारा लाड़ला भी किसी काबिल होता तो मैं लगे हाथ भाई साहब से वरदा की बात भी कर लेता।
आप कहाँ जा रहे हैं? आरिस के साथ जाना था ना आपको? आप वेट करें, मैं उसे बाहर ही भेज रही हूँ। वरदा मैं पता नहीं यार, इसके बहाने कब से मुलाकातें चल रही हैं, वो भी छुप छुप के। खैर अब जब मुझे पता चल ही चुका है तो क्यों ना इस सिलसिले को यही खत्म कर देना चाहिए।